तरह कोरोना काल में पर्व त्योहार भी पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ईद और बकरीद पर्व के बाद अब मुहर्रम पर्व भी कोरोना संक्रमण का साया पड़ गया है। पहली बार मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने शनिवार को मंत्राना कक्षा में पदाधिकारियों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की। डीएम ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कोरोना संक्रमण के बचाव करते हुए बिना ताजिया जुलूस के ही मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की है। बैठक में जिले के सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष एवं लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र हलासी एवं सूर्यगढ़ प्रखंड के विभिन्न आंकड़ों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। इससे बचाव के लिए सरकार ने धार्मिक आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने मुहर्रम पर्व के दौरान कहीं भी भीड़ नहीं लगाने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों में ही पर्व मनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कहीं भी ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी भी अखाड़े की लाइसेंस निर्गत नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशित किए गए कहीं भी किसी भी अखाड़े में सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही डीजे और लाउड स्पीकर का भी प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने सभी थाना अध्यक्ष और बीडीओ के थाना स्तर पर शांति समिति का बैठक करने का निर्देश दिया है।